ब्लूज बीमारी क्या है और या लोगों को किस प्रकार प्रभावित करती है? कुछ ऐसे मानसिक रोग होते हैं जो ठंडी बढ़ने पर बढ़ जाते हैं, जिसमें एक प्रकार का अवसाद भी होता है और इसी अवसाद को विंटर ब्लूज कहते हैं। ये अमूमन तब होता है जब कोहरा बहुत अधिक होता है और धूप नहीं निकलता है, इसलिए इसका प्रिविलेंस तो भारत में कम है, लेकिन जो देश बहुत ज़्यादा कोहरा प्रभावित देश है, जहाँ साल भर कोहरा रहता है और सूर्य नहीं निकलता है, उन देशों पर इस बीमारी का प्रिविलेंस बहुत अधिक है। और इस समय चूंकि अपने उत्तर भारत का भी मौसम ऐसा ही हो रहा है कि कोहरा बहुत है, धूप नहीं है, तो इस समय जो विंटर ब्लूज के पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, जिसमें उनको कई तरीके के लक्षण आते हैं, जैसे कि उदासी, घबराहट, बेचैनी और किसी चीज़ में मन न लगना और चिड़चिड़ापन होना, नींद ना आना। तो ये सब लक्षण अगर आपको आ रहे हैं और हाल फिलहाल से आ रहे हैं 7-8 दिन 10 दिन से, और आपको पहले कभी मानसिक रोग से प्रभावित नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको विंटर ब्लूज की समस्या हो गई हो। और ये समस्या जो होती है, इसका उपचार भी बहुत आसान होता है। इसमें अपन योग करें, एक्सरसाइज करें, जब धूप निकले तो धूप में बैठें, येलो लाइट का प्रयोग करें, और जब अगर आपका विंटर ब्लूज सही ना हो तो आप मनोचिकित्सक से परामर्श लेकर के योगा और मनोचिकित्सक जब आपको साइकोथेरेपी या फार्मेकोथेरेपी दे उसको लीजिए, और दवाएं वगैरह जो आपको प्रेस्क्राइब की जाए उनका सेवन करिए, तो बहुत जल्दी इसमें आराम हो जाता है। अभी तक सर आपने लगभग कितने मरीजों को देखा होगा जो विंटर ब्लूज से पीड़ित हो? अगर देखा जाए तो प्रतिदिन लगभग 7 से 8 विंटर ब्लूज से प्रभावित मरीज आते हैं, जिनको सर्दी की वजह से अवसाद की प्रॉब्लम बढ़ गई है या हो रही है, तो इसकी काफी संख्या होती है। विंटर ब्लूज जो है इस समय के मौसम में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट रूप में पाया जाता है। खान पान पर किस प्रकार ध्यान रखें कि हम विंटर ब्लूज से बच सकते हैं? अमूमन जो विंटर ब्लूज होता है वो कई तरह के खान पान, जैसे पौष्टिक आहार जो होते हैं, सीजनल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, इनका सेवन अगर आप करेंगे तो इसमें आपको विंटर ब्लूज में काफ़ी रिलीफ होता है, तो इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, और साथ ही साथ जो जंक फूड है उसका परहेज करना चाहिए। सर क्या विटामिन डी की कमी से ये होता है? विंटर ब्लूज विटामिन डी की कमी से तो नहीं होता सीधे तौर पे, लेकिन जब सूरज की रोशनी की कमी होती है तो विटामिन डी की भी कमी हो जाती है शरीर में, तो उससे भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि कुछ हद तक विंटर ब्लूज जैसी होती हैं। और विटामिन डी की कमी होने पर विंटर ब्लूज की जो दिक्कत है वो और ज़्यादा तीव्रता से व्यक्ति को परेशान करती है। अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज से।